कैसे ठीक हैं आप? कोई तो बात है जिसकी वजह से आप इतनी डिस्टर्ब हो गई? क्या हुआ? सारा, स्कॉटलैंड बहुत दूर है, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकती। थैंक यू डैडी, मुझे मालूम था कि आप नहीं आएंगे। आप फिक्र ना करें, मुझे कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा डैडी। The multi-billion pound scandal of BCCI, and ask why, despite the danger signs, it took so long to shut down the bank that didn't add up. वो कह तो रहे थे कि वो आने की जरूर कोशिश करेंगे। Please, Mama, कम से कम इनकी तरफ से कोई explanation मत दिया कीजिए मुझे। सारी ज़िंदगी मैं यही explanation सुनता रहा हूँ। मान लीजिए और मुझे भी यकीन कर लेने दीजिए। इनकी business के मुकाबले में हमारी कोई हैसियत नहीं है। शामिर, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। देखो, आज तुम्हारा स्पेशल दिन है, कम ऑन, चीर अप प्लीज। सड़कों पर दौड़ता फिर रहा हूं रातों को कि मुझे सर्दी ना लगे, क्योंकि मेरे पास पहनने को गर्म कपड़े नहीं थे। मुझसे ज्यादा पैसे की कीमत का एहसास किसको होगा? समर वेकेशंस में हम दोनों छोटे मोटे काम साथ करने लगे और एक दूसरे के बहुत करीब होने लगे, और फिर न जाने कब और कैसे हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मामा, आप वाकई स्कॉटलैंड में पैदा हुए और वहीं पली बड़ी? हाँ। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? तुम डायरी पढ़ रही हो ना, इसमें तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसमें आ जाओ भाई, प्रवेश। हाँ, सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे। तुम लोग ये क्या लड़कियों की तरह आंसू बहा रहे हो? अरे परदेश जाते हैं तो तकलीफ तो होगी ना। तू क्या समझा था हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास में आएगा और यहां पर लोग हार फूल लिए तुम्हारे इंतजार में खड़े होंगे? अरे शेर का बच्चा बन, शेर का बच्चा। हमने भी इतनी तकलीफें उठाई थी शुरू में। सोना भट्टी में पिघलकर ही लंदन बनता है मेरी जान। सर आपने तो कहा था जन्म में जाए सर्वर, यही कहा था ना तुमसे कि लंदन पहुंचा दूंगा, तो पहुंचा दिया बस। सर क्या हम जा रहे हैं? नहीं, फाइव स्टार होटल में तुम्हारा बंदोबस्त किया मैंने। अरे बात सुनो, यहां जब सेट हो जाओगे ना फिर याद रखोगे मुझे, समझे? सर हमने पासपोर्ट बनवाया है, वीजा लगवाया है, कहीं यहीं ठहरने के लिए। अरे छोड़ो पासपोर्ट की बातें, यहाँ के पढ़ पढ़ करने लगते हैं, खबरदार आइंदा जुबान खोली किसी ने। आखिरी वार्निंग है ये मेरी, बाले ये सर जी, समझा दे इनको ठीक। और खाने पीने का बंदोबस्त करो इनका। मैं खाने का बंदोबस्त करके अभी आता हूँ।
ये क्या फ्लैट है? बस यही है जो कुछ है, फ्लैट बोलो या महल बोलो, हर किसी को ये भी नसीब नहीं होता है। चूहों की तरह बिल्डों में रहते हैं। मगर मंजूर साहब ने तो हमसे फ्लैट का किराया भी लिया था। ओए ओए, सुधर जा, ज्यादा बकबक की तो अभी पुलिस के हवाले कर देंगे। बेटा पकड़े गए ना, 10 साल से कम की नहीं होगी। अब तुम भी फैलने लगे हो, ये मत भूलना कि तुम मेरी मुट्ठी में हो। मलिक साहब, आपको अंदाजा नहीं कि यह काम अब कितना मुश्किल होता जा रहा है। यकीन करें, जान पर खेलकर आपके लिए वर्कर्स लाता हूं मैं। उसके पैसे मिलते हैं तुम्हें? वो तो ठीक है, मगर मलिक साहब, जान का खतरा भी तो होता है। कितने बंदे आए हैं? 8। सिर्फ 8? देखो मंजूर हुसैन, तुम इसी तरह जानते हो कि मैंने गारमेंट्स की एक नई फैक्ट्री खोल ली है। मुझे कम से कम 100 बंदों की जरूरत है, और तुमने मुझसे वादा भी किया था। हाँ मलिक साहब, किया तो था, मगर सख्ती बहुत बढ़ गई है। पैसे बढ़ाना चाहते हो? देखिए मलिक साहब, बीच में तकरीबन कोई 10-20 लोगों की मुट्ठी भी गर्म करना पड़ती है। कितने बढ़ाओगे? और देखिए मलिक साहब, एक वर्कर पर तकरीबन कोई 1.5-2 लाख रुपए खर्चा आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाकी बंदे कब पहुंचेंगे? बस 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे। और ये जो 8 बंदे तुम लाए हो, ये कब मिलेंगे मुझे? अरे मलिक साहब, मेरे होते हुए आप क्यों फिक्र करते हैं? बस आप बेफिक्र रहिए, मैं इनको आपके मैनेजर के हवाले करके ही जाऊंगा। बस मलिक साहब, एक एहतियात कीजिएगा, पुलिस को खबर ना हो। अगर यहां की पुलिस को खबर होगी ना, तो ये तो मुझे चौराहे पर लटका देगी। तनख्वाह कितनी लेंगे, तय कर लिया था तुमने इनसे? अरे मलिक साहब, ये आप पर डिपेंड करता है। बस पुलिस के खौफ की बंदूक उनके सर पर रहे, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और उनके लिए भी। मानिया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप फ्री हैं तो मैं आ जाऊं?
जी नहीं अभी नहीं, मैं एक पेशेंट से मिलने जा रही हूँ नर्सिंग होम। ओके ओके। मैंने आमना आपा से कह दिया था कि मैं मर भी जाऊंगी लेकिन मुनीर से शादी नहीं करूंगी। मुनीर एक जाहिल और शराबी इंसान था। आखिर अब्बा ने हमें इतनी तालीम क्यों दी थी? हमें वहीं रखते गांव में, भेड़ बकरियों की तरह पालते, फिर जहां कहते हम वहां चले जाते। लेकिन आमना बाजी अम्मा और अब्बा से बहुत डरती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम थोड़े अरसे खामोश हो जाओ, जब मेरी शादी हो जाएगी फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। मैं गई और जाकर जावेद से मिली और जावेद ने मुझसे कसम खाई कि वो मेरी शादी कभी भी नहीं होने देगा मुनीर से। मामा, आपने इतनी जबरदस्त कहानी मुझसे इतना अरसा क्यों छुपाए रखी? ये मेरा माजी है बेटा, जिसके जख्म अभी तक हरे हैं। जरा सी भी चोट लगती है ना तो खून फिर से बहने लगता है। मुझे तो इस डायरी से खौफ आता है, तभी तो इसे मैंने छुपा कर रखा हुआ है। मामा, मैं आपसे अलग तो नहीं हूं। आपकी हर बात का मुझे इल्म होना चाहिए और मेरी हर बात का आपको। दादाजी, बचपन से लेकर आज तक आपने जितने खत भेजे हैं सब मैंने हिफाजत से रखे हैं। इनका एक एक लफ्ज याद है मुझे। आपकी वजह से मैंने अपना वतन देख लिया है। मुझे पता है कि वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने लिखा है। मगर दादाजी, आपने कितनी बार वादा किया है कि आप अपनी एक तस्वीर भेजेंगे, मगर तस्वीर नहीं भेजी। आप हमेशा कोई ना कोई बहाना देकर टाल जाते हैं। मेरी तो हजारों तस्वीरें होंगी आपके पास।
मैं गोल्ड मेडल के साथ अपनी तस्वीर भेज रहा हूँ दफा आपको। काम शुरू कर रहा हूँ, जरा फुर्सत मिली तो सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आपका शमीर, आप तर मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। वाह शहजादे, बल्ले भाई बल्ले। किसको खबर थी इस दिन की, बेटे की दुआ मांगी थी कि जब सहारा देने का वक्त आएगा ना तो इतनी दूर चला जाएगा, विनायत रट के पूछेगा भी नहीं बाप जिंदा है या मर गया। आज आप काफी चल छुट्टी हुई फिर तस्वीर से बातें करनी शुरू कर। मैं तो कहता हूँ तू चला हो जाएगा अगर वहां जाना पड़ गया तुझे तो। ओ ना यार ना, बहुत बड़ी सर्दी होती है, बर्फ के पहाड़ है और मेरी तो कुल्फी जम जाएगी। और मैंने क्या करना है, यही ठीक। हाँ विश्वा, और कोई ताजा खबर शबर? अब मैंने खबरें शबरें सुननी साहब छोड़ दी, तुम्हें तो पता है मेरा दिल बड़ा कमजोर है यार। अच्छा 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 जी। ओ बेटी ताजी। जी दादाजी, मुझे बुला रहे हो आप? ओ कुछ लस्सी शसी ले आए, तेरा चाचा मुनव्वर आया हुआ है। आ शाबाश। अभी लाए दादाजी, अभी लाती हूँ। बड़ी अच्छी बच्ची है भाई। सुना है इसका बाप कहीं बाहर के आदमी से इसकी शादी कर रहा है। क्या मतबल भाई? सुना है कोई कोई परदेश से आया हुआ है। विलायत से? हाँ भाई, विलायत में उसका सुना है बहुत बड़ा कारोबार है, वो शादी करने यहाँ पर आया हुआ है। किसी ने हमारी ताजी का नाम लिया तो उसके घर वाले ताजी को देखने के लिए आ रहे हैं। वो तो क्या यहाँ के सारे लड़के मर गए क्या? ताजी का बाप विलायत से बुला के बंदे को उसकी शादी कर रहा है, है? और सुना है कि लड़का उम्र का भी काफी बड़ा है, 45 साल तो उम्र होगी। अच्छा, चल्ला हो गया है ममदू। मैं उससे बात करूंगा। और कहीं नहीं जाएगी ताजी यहाँ से, शादी इसकी यही होगी। हाँ, दौलत भी सुना है बहुत है। ताजी की माँ मेरी बीवी को ये बता रही थी। जो कहना कि वो दौलत की कब्र में अपनी बेटी को दफन करने जा रहे हैं। हेलो चाचा जी। हाँ जी इंदिरा, जी इंदिरा, शाबाश। हेलो दादा जी, ये चॉकलेट अम्मा ने भेजे हैं, बहुत मजे के हैं। अच्छा, यहाँ आए कहाँ से? अब्बा ने दिए थे, उसका कोई दोस्त लेके आए विलायत से। विलायत? और जहरीले होते हैं ये, फेंक दे इनको ले जाकर। आ जाते हैं विलायत से हमारी जान लेने को, फेंक दे खाना नहीं, बिल्कुल ले आके फेंक फेंक, शाबाश। अच्छा जी। भैया क्यों डरा रहे हो बच्ची को यार? और ये मेरी बेटी है, मेरी बात भी मानेगी, मानेगी ना मेरी बात? हाँ दादा जी, मानूंगी बात। बस ले जा, फेंक दे इनको, जहरीले होते हैं ये, ले जा। मेरे बेटे को भी बहुत शौक था इनका, चला गया इनके पीछे, ये लौट के नहीं आया। यार यार, तुम तो बिना वजह गुस्से में आ जाते हो यार। भाई पहले देख तो लो लड़का कैसा है, क्या करता है। कोई विलायत से आया है ना तो सोने का बन के आ जाए तब भी मुझे कबूल नहीं है, बिल्कुल कबूल नहीं। यार मनोबर, ये जो विलायत है ना, ये कोहे निदा की आवाज है, जादूगर आवाज देते और हमारे बच्चे पीछे पीछे चले जाते, वापस नहीं आते, कभी नहीं आते।
आमना बाजी की शादी के साथ साथ मेरी शादी भी तय कर दी गई। वहीं किसी ने अब्बा को बताया कि मेरी दोस्ती एक कॉलेज के लड़के से है। अब्बा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुनीर से शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें पाकिस्तान भेज दूंगा, फूफी के पास, वहां उसी के बेटे से शादी कर। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे कत्ल कर दिया। मैं घर से बाहर निकली और जावेद के पास गई। मैं भी अपनी जिद की पक्की हूँ। अगर अम्मा आपा ने जिद की ना तो यकीन मानिए मैं झील में कूद के अपनी जान दे दूंगी। मेरा क्या हो गया? तो फिर मुझे बचाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? तुम फिक्र मत करो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुनो, तुम घर पर बिल्कुल कंपोज रहना ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, अगर घर वाले शादी की बात करें तो यही कहना ठीक है, मैं कर लूंगी। कैसे कर लूंगी, क्यों कर लूंगी? समझा करो, मेरे ऊपर भरोसा रखो। पर उन्होंने अगर जबरदस्ती कर दी तो? पहली बात तो तुम ऐसी लड़की हो नहीं कि कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे। दूसरा मैं हूँ। हाँ, कल तुम अपना पासपोर्ट साथ लेती आना। यस मामा, और बताइए ना फिर क्या हुआ? बस फिर क्या होना था, जावेद ने पासपोर्ट्स बनवा लिए थे और वीजा लगा हुआ था। हमने अगले दिन जाकर कोर्ट में शादी कर ली। हमने अब्बा के नाम मैंने एक खत लिख दिया था और हम दोनों पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आ गए थे लेकिन रिश्तेदारों में नहीं गए। पहले जावेद को कराची में जॉब मिली, मैंने भी वहाँ काम करना शुरू कर दिया। हम लोग वहाँ 5 साल रहे। तुम वहीं पैदा हुई। फिर अचानक जब तुम 4 साल की थी, जावेद को एक हार्ट अटैक हुआ और वो आधे घंटे में ही खत्म हो गए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने जावेद पर बहुत सारा बोझ लाद दिया था, या फिर शायद हमारे माँ बाप की बददुआएं हमारा पीछा कर रही थी। उसके बाद मैं इस्लामाबाद आ गई, यहाँ मुझे नौकरी मिल गई, यहीं मैंने अपना घर बनाया और बस यही मेरी कहानी है। कोई बात नहीं मम, थोड़े दिन को सही, लेकिन आपको खुशी मिली तो? थोड़े दिन के लिए पूरी जिंदगी की खुशियां मुझे मिल गई, इसीलिए तो मुझे कोई शिकायत नहीं। अच्छा हाँ, तो कल सुनो जल्दी आ जाना, मैंने कुछ सहेलियों को बुलाया है। क्यों क्यों? अच्छा, भूल गई हो इतनी जल्दी? क्या क्या भूल गई? कल मेरी बर्थडे है। बर्थडे आपकी? एक मिनट, कल तो आपकी आपके बर्थडे है। I'm so sorry, मैं बिल्कुल भूल गई। हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत ज्यादा हैप्पी बर्थडे। अच्छा मामा सुने, मैं कल नहीं जाती कॉलेज। अच्छा, क्योंकि मैं जाऊंगी, टाइम वेस्ट होगा, घर रहूंगी और ढेर सारी चीजें बनाऊंगी, सारा इंतजाम मैं करूंगी। ठीक है, ठीक। मामा गिव मी अ बियर हग। हैप्पी बर्थडे टू मामा, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मामा। यार आदिल भाई कहाँ हो, भूल गए? आई नहीं। कहाँ नहीं आया और क्यों नहीं आया? बाय द वे, ये फोन तुमने मुझे किया है? मेरा नाम आदिल है। इस तरह मोहब्बत के बुलावे मेरे घर के रास्ते में आते नहीं है। क्या गलती से डायल कर लिया? अरे गलती से तो डायल नहीं किया था दोस्त, मगर अब सोच रहा हूँ कि गलती शायद मुझसे हो गई। सुनो था, गम और खुशी में दोस्त पहले आते हैं। तुम्हें बुलाया था मैंने यार, तुम भूल गए? ओह माय गॉड यार, मैं सचमुच भूल गया। जानता था मैं, अब तो याद आ गया ना, तो अब आकर मुझे मुबारकबाद दे दो। यार वेरी सॉरी। बकवास नहीं करो, बस तुम जल्दी से आ जाओ। यार अब किस मुंह से आऊं, अपने आप को बड़ा ही मनहूस लग रहा हूं। तुम खुश हो ना, तो समझो मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो डैडी ने कहा कि ऑफिस मीटिंग थी इसलिए नहीं आ सका, और दोस्त ने कहा कि भूल गया। यार तुम शर्म करो। क्या करूं, कर तो रहा हूं, और डर ये है कि कहीं इस दरिया में ना शामिल हो जाऊं, यहाँ का पानी भी कड़वा हो जाएगा।
वो तो होगा, जहाँ तुम पहले रहते थे वहाँ के समुद्र का पानी भी तुम्हारी वजह से कड़वा था। यार मैं वाकई भूल गया, दोस्ती के मुंह पर कालक मल दी मैंने। अरे बस बस, ज्यादा शायरी करने की जरूरत नहीं है, फौरन पहुंचो। ओए, गोल्ड मेडल उठाने का भी जर्फ होता है, छोटी प्याली में ज्यादा दूध डालो ना तो छलक जाता है, छलक गए ना। वो इंसान ही क्या है जो खुशी में छलक ना जाए, तुम्हारी तरह नहीं हो, खुशी हो या गम हो मुंह का नमूना एक जैसा रहता है जैसे टूटा हुआ वॉल क्लॉक। अच्छा, ज्यादा जली कटी सुनाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली यार वो नौकरी की जो है ना ताजा ताजा वारदात है, मैं नहीं चाहता कि बॉस के दिल पर चोट लगे, इसलिए खुशी के चंद दिन और गुजारना चाहता हूँ। क्यों नहीं आऊंगा यार, लेकिन सुनो मेरी एक शर्त है, जिस दिन स्टेशन पे आऊ ना, हाँ हाँ स्टेशन, ट्रेन से आऊंगा भाई, नहीं जहाज से नहीं यार। जिंदगी से प्यार नहीं है लेकिन फिर भी जिंदगी का दामन जो है वो मजबूती से थामे हुए हूँ। हाँ सुनो, स्टेशन पर गोल्ड मेडल पहन के खड़े हो तो हाँ। ओके टेक केयर, बाय बाय। शामिर, तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई है, अब तुम एडिनबरा वाली फैक्ट्री संभालो। डैडी मुझे मुझे कोई तजर्बा नहीं है। हो जाएगा तजर्बा, तजर्बा काम करने से आता है। बस बात पढ़ लिया तुमने, बिजनेस बहुत फैल गई है, मुझसे अकेले से नहीं संभलती, और वैसे भी मुझ में अब वो पहले जैसी ताकत नहीं रही है, तुम्हें मेरी हेल्प करना ही होगी। देखिए डैड, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब मैं तालीम मुकम्मल कर लूंगा तो एक बार दादाजी के पास मिलने जरूर जाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें उनके बारे में क्या मालूम है? मुझे उनके बारे में एक एक बात मालूम है। अम्मी से पूछिए, मुझसे पूछिए। दादाजी उस वक्त से मुझे खत लिख रहे हैं और तोहफे भेज रहे हैं जब जब मैं सिर्फ एक माँ का था, और अब मैं भी उन्हें खत लिख रहा हूं। उन्हें अब हमारे सहारे की जरूरत है, वो बहुत कमजोर हो गए हैं। उन्हें सहारे की जरूरत होगी तो वो मुझे कहेंगे, तुम्हें नहीं। 26 साल से मुझे खत लिख रहे हैं, आपको तो शायद उन्होंने एक भी खत ना लिखा, और ना कभी आपने जानने की कोशिश की कि वो है या नहीं। बकवास मत करो शामिर। माफ कीजिएगा डैड, सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। आपको तो शायद ये भी मालूम नहीं होगा कि इस मेज पर जो 10 तरह के खाने रखे हैं, जो आधे हम खाते हैं और आधे हम फेंक देते हैं, तो वो क्या खाते होंगे? दाल रोटी या खाली रोटी? बकवास मत करो शामिर, मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता हूं।
मैंने उनको 10 बार बुलवाया है लेकिन वो नहीं मानते, तो मैं क्या करूं? आप तो जा सकते थे। मेरे पास इतना वक्त नहीं था। तो कम से कम मुझे भेज देते। मैं अपने बाप को तुमसे ज्यादा जानता हूं। मैं अगर उन्हें पैसे भेजता तो उठाकर गली में फेंक देते। इसलिए आप आराम से बैठे हुए हैं। शामिर, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता हूं। सॉरी डैड। ठीक है, तुम कल से ऑफिस आओगे? ठीक है डैड, मैं आऊंगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए मेरा दोस्त आदिल आ रहा है। बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, इसलिए यहां आएगा। यहां रहेगा? जी नहीं, एनवर वाले अपार्टमेंट में। डैडी वो बिल्कुल अकेला है, उसे हमारी मदद की जरूरत है और मैं उसकी उसकी मदद करूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। बाय द वे, मेरे ताल्लुक भी इंसानों से, अगर कोई बीमार है तो उसकी मदद करो, लेकिन ये बात याद रखो कि जो काम तुम्हें करना है करना है, आज नहीं तो कल करना होगा। काम से जा रहे थे डैडी के? मारिया, अगर मैं ये बहाना ना बनाता तो तुम कभी ना आती। आना जरूरी था। हाँ। क्यों? असल बात तो ये है मारिया, कि आज मैं दिल चाह रहा था कि कहीं घूमने चले। जानती हो क्यों? क्योंकि ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू, मगर चंद लम्हों के सुकून के बाद जिंदगी फिर मशीन बन जाएगी। जरा सा सुकून बहुत देर तक साथ नहीं देता। तो ऐसे करते हैं, सुकून की तलाश में यहाँ अक्सर आया करेंगे। देखो ना, यहाँ ऐसी जगहों की कमी नहीं है। अगर इस तरह हर एक को सुकून मिल जाता तो ये दुनिया बहुत बेहतर हो जाती। ना कोई मेंटल केस होता, ना मैं साइकोलॉजिस्ट बनती, ना मेरे पास कोई एडवाइस लेने आता। मैं तो फिर भी आता मारिया, और क्योंकि तुम फ्री होती तो मैं रोज आता। फिर काम का क्या होता? काम भी हो जाएगा। तुम भी अजीब हो, कभी एंग्री यंग मैन, कभी बहुत रोमांटिक पर्सन। अरे इन बिटवीन एडजस्ट तो करो ना। तो ठीक है, मिलजुल कर एडजस्ट कर लेंगे। उफ़, यही बातें करने के लिए यहाँ लाए हो? Oh no, yes, yes, I forgot. मारिया, मेरा एक दोस्त है लंदन में, बेचारा इंतहाई डिप्रेशन का शिकार है। मैं उसे यहाँ बुला रहा हूँ, तुम उसे प्लीज देख लो। He is not very well. हाँ, of course, जरूर, bring him to me. Thank you.
तुम्हारा नाम ताजी है?